प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती के आज के इस कार्यक्रम में, जैसे पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में आज मना रहा है, किसान सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान शेष नारायण मिश्र जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान श्री कृष्ण बोधी जी, आज के समारोह में उपस्थित अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, यहाँ के लखनऊ कमिश्नरी के जो कमिश्नर हैं श्री रंजन कुमार जी, जिलाधिकारी समेत सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे किसान भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं आज के इस अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरा देश सुशासन दिवस को किसान भाइयों के सम्मान दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित कर रहा है। कुछ ही देर के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन पूरा देश को प्राप्त होगा और एक साथ देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान भाइयों के खातों में देने की कार्रवाई भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान की राशि की जाएगी। अटल जी की जन्म जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाना सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि किसानों के हितों को और किसानों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए आजादी के बाद सबसे पहली बार कोई प्रयास हुआ था, तो वह सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 1998 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रयास किया था। पीडीएस की जो व्यवस्था आज देखने को मिल रही है, अंत्योदय अन्नपूर्णा, ये सारी स्कीम प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी की देन है, जिसमें हर गरीब को निःशुल्क या सस्ते में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई आज प्रारंभ हो रही है। ये योजना भी सदैव अटल जी की ही देन है और खाद्यान्न तब आएगा, तब गरीब तक पहुंचेगा जब अन्नदाता किसान से इसका क्रय करने की व्यवस्था होगी। आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देने का प्रयास प्रारंभ हुआ था सदैव अटल जी के समय में, जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ हुई थी और प्रत्येक गांव पक्के मार्गों से जुड़ता हुआ दिखाई दिया था। आज आप देख सकते हैं हर गांव में अच्छे मार्ग हैं, किसान अपनी उपज को मंडी तक, बाजार तक,
और कहीं भी ले जाने के लिए आज अगर उसके पास अच्छे साधन हैं तो साधन के लिए अच्छे मार्ग भी आज उपलब्ध हैं, इसका श्री गणेश भी सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। देश के अंदर अंतरराष्ट्रीय मानक के हाईवे बने, इस परिकल्पना को भी साकार किया था सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और भाइयों बहनों, मोबाइल फोन हरेक गरीब के हाथ में हो जाए, इस परिकल्पना को भी साकार किया था प्रधानमंत्री के रूप में सदैव अटल जी ने। यानी ये सब आर्थिक स्वावलंबन के आधार किसी ने किया था, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, जो शुरुआत अटल जी ने की थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे एक नई ऊंचाइयों तक, एक नए आयाम के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। और आज का इस सुशासन दिवस प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश सदैव अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए देश के अन्नदाता किसानों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए आज अटल जी की जयंती को इस किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए सदैव अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने देखा होगा अभी मंच पर यहां पर कुछ किसानों को, यहां पर हम लोगों ने ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की है। अभी 23 दिसंबर को लखनऊ में लोक भवन और विधान भवन के ठीक सामने हम लोगों ने कुछ किसानों को वहां पे भी ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध कराई थी। और किसान जब अपने ट्रैक्टर में बैठ करके जा रहा था तो ऐसा लगता था कि भारत का किसान दुनिया का सबसे समृद्धशाली किसान है, क्योंकि आज किसान के हाथ में अपने ट्रैक्टर की चाबी भी है और उसकी स्टेयरिंग भी है। यानी किसानों की खुशहाली का मार्ग पहले भी प्रशस्त किया जा सकता था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी गरीब के बारे में, किसान के बारे में, नौजवान के बारे में, महिलाओं के बारे में कार्य वह करेगा जिनका उनके प्रति आत्मीयता का भाव हो। जब आत्मीयता का भाव ही नहीं है और समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके परिवार के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन की रेखाओं को खींचना, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उद्देश्य बना दिया हो, उनसे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वे गांवों के विकास के बारे में सोचें? उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वे किसानों के बारे में सोचें? उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वे नौजवानों के रोजगार के बारे में सोचें या नौकरी के बारे में सोचें? पहले प्रदेश में नौकरी निकलती थी और कुछ परिवारों के लोग चौथ वसूली में निकल पड़ते थे। नौजवान को नौकरी उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि बोली बोल करके जितना कोई पैसा दे सकता था उसको नौकरी मिलती थी और योग्य अभ्यर्थी वंचित रह जाता था नौकरी से। लेकिन पिछले 3.5 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा किसी भी नौकरी में किसी भी प्रकार से कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। योग्यता के आधार पर प्रदेश के हर नौजवान को उसको सम्मानजनक नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है। और जब प्रदेश में हमारी सरकार के 4 साल के कार्यकाल संपन्न होंगे तो भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं तब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके होंगे। ये 4 लाख नौजवानों को पहले भी नौकरी दी जा सकती थी, लेकिन पिछली सरकारें केवल गुमराह कर रही थी, भेदभाव कर रही थी, नौकरी के नाम पर वसूली के एक अड्डे इन्होंने बना दिए थे। कोई भी नौकरी निकलती थी, परिवार के सभी सदस्य अलग अलग दिशाओं में झोला लेकर के वसूली में निकल पड़ते थे। आज तो कोई वसूली नहीं कर सकता,
क्योंकि उसे मालूम है कि अगर नौकरी के नाम पर कोई वसूली करेगा तो फिर उसको जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा, क्योंकि नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना सरकार को किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं। और इसी प्रकार से किसानों के लिए याद करिए, 2004 से 2014 के बीच देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्याएं की। एक किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था? क्योंकि किसान को बीज नहीं मिलता था, किसान को खाद नहीं मिलती थी, किसान को बिजली नहीं मिलती थी, किसान को अगर जैसे तैसे उसने खेत में अनाज उत्पन्न भी कर दिया तो उस अनाज को कोई दाम नहीं मिलता था, उसको कोई खरीदार नहीं मिलता था। और अगर किसान ने गन्ना उत्पादन करके चीनी मिलों तक पहुंचा दिया तो कई पांच पांच छह छह वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा किसान हताश और निराश था, कर्ज के नीचे दब चुका था। उसके सामने प्लान करने, आत्महत्या करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। और फिर निजी कॉलोनाइजर को किसानों की जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए माफियाओं के द्वारा कैसे प्रेरित किया जाता था, याद आप देख रहे होंगे। जब सरकार का बुलडोजर इन माफियाओं की छाती पर चलना है और किसानों की जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है, तब तो आपको दिखाई देता होगा कि कितना बड़ा अन्याय पिछली सरकारें करती थी। ये शोषण करवाते थे किसानों का, किसानों की जमीनों पर कब्जा करवाते थे, किसानों को पलायन करने और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन आज आपने देखा होगा, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पिछले छह वर्षों में कहीं भी खाद की कोई किल्लत नहीं, बीज की किल्लत नहीं। पिछले साढ़े तीन पौने चार वर्षों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर क्रय केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देना प्रारंभ किया। और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लागत का डेढ़ गुना दाम, जो स्वामीनाथन कमेटी में जिसकी सिफारिश लगभग 10-12 साल पहले देश की सरकार को यूपीए यानी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को क्या था, जिस सरकार को कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी और सपा बसपा बिना मांगे समर्थन उस सरकार को कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके गलत कार्यों के लिए सरकार सीबीआई जांच बिठा करके जेल के अंदर कर ले, इसलिए बिना मांगे समर्थन कर रही थी। उस सरकार के समय स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबा के रखा। और जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के हाथों में देश आया तो मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का डेढ़ गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसान के खाते में देना प्रारंभ किया। ये मोदी जी की देन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आज किसान को मिल पा रहा है। 24 जींस के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। और 2017 में जब हम लोग आए, हमने देखा प्रदेश के अंदर किसानों में हताशा है, निराशा है। तो भाइयों बहनों, आपको याद होगा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो सबसे पहला काम किया था, वह काम किया था किसानों की ऋण माफी का कार्यक्रम। 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर हमने पूरी सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित, दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया। बाण सागर जैसी परियोजनाएं संपन्न हुई। और भाइयों बहनों, मार्च 2021 तक प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हम सिंचाई की सुविधा देने जा रहे हैं। मात्र 4 वर्ष के अंदर 20 लाख करोड़ से अधिक एकड़ से अधिक 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से हम विकसित करने जा रहे हैं। वर्षों से लंबित थी बाण सागर परियोजना,
स्वर्गीय मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। 1977 में प्रधानमंत्री बने और 1977 से लेकर 2017 तक योजना पूरी नहीं हो पाई, लेकिन 2017 में आने के बाद एक वर्ष के अंदर हमने परियोजनाओं को पूरा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों उसे राष्ट्र को समर्पित करवाया। आज वहां का किसान खुशहाल है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, ऐसी लगभग एक दर्जन परियोजनाओं को आज भारत सरकार की मदद से हम पूरा करते हुए किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री मृदा परीक्षण का कार्यक्रम, हरेक घर तक हरेक गांव तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम है, ये केवल किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का ही कार्यक्रम है। और भाइयों बहनों, जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता कि किसान तकनीक के साथ जुड़े, किसान आधुनिक बीज से प्राप्त हो, किसान की जीवन में खुशहाली हो, ये लोग तमाम प्रकार के गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। किसानों के लिए गन्ना किसानों का, जब 2017 में हमारी सरकार आई थी, 6 वर्ष से गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को नहीं हो पाया था और सरकारों ने प्रदेश के अंदर चीनी मिलों को बेचना प्रारंभ कर दिया था। आपने देखा होगा पिछले 4 वर्ष के अंदर कोई चीनी मिल बेची नहीं गई, बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी देश प्रदेश के अंदर किसानों के मसीहा कहे जाते थे, उनके स्वयं की कर्म भूमि की चीनी मिल रमाला चीनी मिल 30 वर्षों से वहां मांग हो रही थी कि चीनी मिल का नवीनीकरण होना चाहिए, इसका विस्तारीकरण होना चाहिए, किसी को फुर्सत नहीं थी। जब हमारी सरकार आई, हमने पैसा दिया, चीनी मिल का विस्तारीकरण हुआ, चीनी मिल का नवीनीकरण हुआ, 50,000 क्विंटल गन्ने की पेराई इस समय रमाला चीनी मिल प्रतिदिन करने का कार्य बागपत के अंदर कर रही है। यह है कार्यपत्र। 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हमने केवल किसानों को किया है। 1,12,000 करोड़, 1,12,000 करोड़ देश के अंदर कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं, इतना पैसा उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में गया है। भाइयों बहनों, आज भी जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है, आप सब जानते हैं 4,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जाने वाला है। यानी किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जब इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी संकल्प शक्ति के साथ जब कार्य कर रही है, तब जिन लोगों को खेती किसानी की जानकारी नहीं, जिनको देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें किसानों के चेहरे की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, जिन्हें किसानों की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, वे लोग तमाम प्रकार के षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। उन्होंने जातीय आधार पर समाज को बांटने के कुछ चेष्टा की, देश के अंदर मत और मजहब के आधार पर ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का भी कुछ प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया गया, और जब वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो रहे हैं तो आज उनके द्वारा तमाम प्रकार का दुष्प्रचार करने का प्रयास हो रहा है। और इसलिए इन सब से सावधान होते हुए हर जागरूक नागरिक को, हर जागरूक किसान को, कि हमारा सच्चा हितेशी कौन हो सकता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज के दिन पर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने, भारत के बारे में दुनिया के नजरिए को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और नौजवानों और किसानों का सच्चा हितेशी और महिलाओं के हितों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य अगर किसी ने किया है आजादी के बाद से, अगर किसी एक प्रधानमंत्री का नाम इस देश से लिया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम बड़े सम्मान के साथ हम स्मरण कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण सारा का सारा परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज सदैव अटल जी की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, आज उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य
और भी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या नए सुधार हो सकते हैं और नए सुधारों के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के हरेक किसान तक हरेक गांव तक इन योजनाओं को ले जाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज का एक कार्यक्रम भी है। प्रदेश के अंदर लगभग 3000 स्थानों पर जिसमें 826 विकास खंडों के अलावा हर मंडी समिति में हर कृषि विज्ञान केंद्र में मैं कृषि विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मात्र यानी आजादी के बाद से लेकर के देश के अंदर 2017 तक देश प्रदेश के अंदर कुल कृषि विज्ञान केंद्र 68 बन पाए थे, यानी हर जनपद को एक कृषि विज्ञान केंद्र नहीं मिल पाया था, लेकिन पिछले 3 वर्ष के दौरान 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं। ये 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र किसान को तकनीकी जानकारी, अच्छे बीज की जानकारी और खेती के विविधीकरण की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रदेश के 2,30,00,000 किसानों को और देश के 9 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से आज प्रदान करने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भारत के सर्वांगीण विकास को लेकर के जो कार्यक्रम 6 वर्ष पहले प्रारंभ किए थे उन कार्यक्रमों की श्रृंखला को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वह गांवों के विकास का हो, किसानों के उत्थान का हो, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का हो या फिर मातृशक्ति के सम्मान का हो, इस कार्यक्रम को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, आज उसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के 2,30,00,000 किसानों को प्राप्त होने वाला है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपने प्रदेश के सभी 2,30,00,000 किसान भाइयों को हृदय से मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि सालाना 6,000 रुपए प्रदेश के 2,30,00,000 किसानों के खाते में सालाना 3 किस्त के आधार पर, 2,000 की 3 किस्त के आधार पर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि किसान के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए, पेस्टिसाइड के लिए या अपनी जरूरत के लिए इस धनराशि की बड़ी उपयोगिता है। किसान अब साकोरों के या कहीं भी किसी सूदखोर के चपेटे में नहीं आ पाएगा, अन्नदाता किसान की खुशहाली, प्रदेश और देश की खुशहाली बनेगी, इस विश्वास के साथ जिन किसानों को आज यहां पर सम्मान किया गया है, उन्हें ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध कराई गई है या उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य हुआ है, उन सभी किसान भाइयों बहनों को मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आप सबके खाते में आज पैसा प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देते हुए आप सबके प्रति प्रदेश के सभी किसान भाइयों को अपनी बधाई देते हुए सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म जयंती के इस कार्यक्रम में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।